हेलो, वेलकम टू माय चैनल। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज हम बनाएंगे बंगाली स्टाइल मसाला भिंडी। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, होप यू लाइक इट। एक बाउल में एक चम्मच पीली सरसों डालें, अगर आपके पास पीली सरसों नहीं है तो मोटी राई डालें। एक चम्मच खसखस डालें, अगर आप जल्दी में हैं तो खसखस को थोड़ा सा भून लें और फिर सूखा ही पीस कर फिर भिगाएं। अब इसमें हम गर्म पानी डालेंगे और आधा घंटा भीगने के लिए छोड़ देंगे। हम इसको पहले इसलिए भिगाते हैं क्योंकि सरसों और खसखस को पीसने में टाइम लगता है। इसके लिए हमने लिए है 250 ग्राम भिंडी, जिसे हमने अच्छे से धो लिया है और सुखा लिया है। भिंडी को इस तरह लंबा लंबा काट लीजिएगा। यहाँ मैंने एक भिंडी के दो पीसेस किए हैं। अब हम कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे। अगर सरसों का तेल नहीं है तो कोई भी तेल ले सकते हैं। ये सब्जी सरसों के तेल में टेस्टी लगती है। जब भी आप सरसों का तेल यूज करें, पहले उसको धुआं उठने तक गर्म करें, गैस बंद करें और तेल को नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें। इसके बाद हम इसमें कटी भिंडियां डालेंगे। ध्यान रहे भिंडी में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो तेल ज्यादा लगेगा। करछी की मदद से भिंडी को हिलाएंगे ताकि तेल पूरी भिंडियों पर लग जाए। अगर भिंडी में थोड़ा भी पानी रहा तो ताज उड़ती है, इसलिए इस स्टेज पर हम नमक नहीं डालेंगे। धीमी आंच पर भिंडी को पकने दें, तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। एक चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक लेंगे। अगर आपके पास रेडी टू यूज जिंजर पेस्ट है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट और बाकी मसाले यूज करती हूँ, जिससे फ्लेवरफुल चीज़ें बनती हैं। अब 4 हरी मिर्च लेंगे और अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम सभी हरी मिर्च को रफली काट लेंगे। कूटने से पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने से कूटने में आसानी होती है। हम इसको दरदरा पीसेंगे। अगर आप इसको मिक्सर में पीस रहे हैं तो मिक्सर को पल्स पर चलाएं ताकि इसकी महीन पेस्ट ना बने। अब हम इस पेस्ट को अलग रख देंगे, बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने 2 टमाटरों को रफली काट लिया है, इसके लिए कोई शेप की ज़रूरत नहीं है। अब कटे हुए टमाटरों को मिक्सर में डालें और एकदम महीन पीसें। टमाटरों को मिक्सर में पीसने के लिए कम से कम 1-2 मिनट लगेंगे। 1-2 मिनट पीसने के बाद इस तरह प्यूरे निकलेंगे। हमने जो सरसों और खसखस भिगाई थी आधे घंटे के लिए, वो हम मिक्सर जार में डालेंगे। सरसों और खसखस को मिक्सर में कम से कम 7-8 मिनट तक हाई स्पीड पर चलाएं। 7-8 मिनट बाद सरसों और खसखस की एकदम महीन पेस्ट तैयार होगी। बीच बीच में भिंडी को भी चलाते रहें ताकि नीचे भिंडी जल ना जाए। 3-4 मिनट बाद हम हमारी भिंडी को चेक करेंगे। भिंडी 80% पक चुकी है। इस स्टेज पर हम भिंडी को एक प्लेट में निकालेंगे। भिंडी से पूरा तेल निथरने दें, उसके बाद ही प्लेट में निकालें। हम इसी तेल को आगे की प्रोसेस के लिए यूज़ करेंगे। हमारा तेल ऑलरेडी गर्म है। आधा चम्मच कलौंजी डालेंगे। कलौंजी तड़क जाए तो हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे, उसको भी हम तड़कने देंगे। इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट जो हमने कूट के रखा हुआ है। इस पेस्ट को हम अच्छे से भुनेंगे। ध्यान रहे इस स्टेज पर हमारी गैस एकदम धीमी होनी चाहिए। इस टाइम अगर आपकी गैस हाई होगी तो ये मसाला जल जाएगा। अब हम 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। मिर्ची को अपने टेस्ट के हिसाब से बैलेंस करें। अब हम इसे हुए टमाटर का प्यूरे डालेंगे। टोमेटो प्यूरे डालने के बाद हम इसको लगातार करछी से चलाते रहेंगे। अभी भी हमने अपना गैस स्लो ही रखा है ताकि कोई मसाले जल ना जाए। अपने स्वाद के हिसाब से नमक डालें। नमक डालने के बाद 1-2 मिनट गैस पर टमाटर प्यूरे को चलाते रहें। 1-1.5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि टमाटर तेल छोड़ने लगेगा। अब हम इसमें खसखस और सरसों का पेस्ट डालेंगे। इस पेस्ट को डालने के बाद करछी से लगातार चलाएं। इस पेस्ट को डालने के बाद मसाला गाढ़ा हो जाता है। करछी को लगातार चलाएं ताकि मसाला कढ़ाई पर न लगे और जले ना। हमको इस मसाले को तब तक भुनना है जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ दे।
अब आप देख सकते हैं हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इस मसाले में हम 2 कटोरी पानी डालेंगे। मैंने मिक्सर में जो मसाला पीसा था उसी में 2 कटोरी पानी डाला, वही पानी मसाले में डाल रही हूँ। जब मसाले में अच्छा उबाल आ जाए, मसाले को हमको गाढ़ा नहीं करना है, मसाले में अब हम फ्राई भिंडी डालेंगे। घबराए नहीं, भिंडी बिल्कुल भी लेस नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हमने भिंडी पहले ही तेल में फ्राई की हुई है। भिंडी डालने के बाद मसाला तब तक उबालें जब तक कि हमारी भिंडी पूरी तरह पक न जाए। मसाले को पूरा गाढ़ा होने तक न पकाएं। ग्रेवी को हल्का पतला ही रहने दें, क्योंकि ये ग्रेवी बाद में गाढ़ी हो जाती है। अगर आपको इसे चावल के साथ परोसना है तो थोड़ा पानी डालकर फिर उबालें। होप यू लाइक द रेसिपी। प्लीज़ डू कमेंट एंड द सजेशंस आर वेलकम।